मार्च को मेष में शुक्र का गोचर, 12 मार्च से एक साथ होंगे राहु और शुक्र। मंगल के घर में राहु शुक्र की घातक युति, अशुभ युति का भयावह अंजाम। 12 राशियों पर भारी पड़ेगी राहु केतु की युति, किनके जिंदगी में मचेगी उथल पुथल, किनके ऐशो आराम पर लगेगा ग्रहण, किनके मान प्रतिष्ठा को पहुंचेगी चोट, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मेघशर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। ग्रह गोचर में एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहती है राहु और शुक्र की युति। आपको बता दें कि मेष राशि में जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, वहां पहले से बैठे राहु उनके साथ युति कर लेंगे। और ऐसे में कहते हैं ज्योतिष में राहु को शुक्र के साथ जब युति होती है इनकी, तो कभी भी इसे शुभ दृष्टि से नहीं देखा जाता है। और शुक्र जो कि आपके भोग विलासिता धन धान्य आपके पैसे से आपकी लग्जरी के प्रतिनिधित्व है, और ऐसे में जब राहु इनके साथ आ जाएंगे इनके साथ बैठ जाएंगे, तो किन किन चीजों में किन राशियों के लिए ये युति ग्रहण लेकर आ रही है, मैं जिसे जानेंगे जी। तो मैं जी सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि राहु शुक्र की युति कहती क्या है। देखिए, शुक्र जो है सुख साधन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, प्रेम संबंधों के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं। जब ये राहु के साथ बैठते हैं, हालांकि शुक्र और राहु मित्र जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये शत्रु राशि में बैठेंगे तो ये नुकसान कर देंगे। तो ये जो मेष राशि है, ना तो शुक्र की प्रिय राशि है ना ये राहु की प्रिय राशि है। राहु के बारे में तो ये भी कहा गया है कि एक तरीके से धनु राशि में जैसे राहु नीच के होते हैं, उतने ही ये अशुभ फल मेष राशि में बैठ के करते हैं। तो जब यहाँ पर दो मित्र एक साथ बैठेंगे तो क्या कुछ खलबली मचेगी, किन लोगों की जिंदगी में तूफान आ सकता है, खासकर प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में, या किन लोगों की आर्थिक स्थिति थोड़ी अप्स एंड डाउन रहेगी, उतार चढ़ाव बना रहेगा, तो ये समझने वाली बात है। शुक्र और राहु की युति से एक चीज बहुत बढ़िया जबरदस्त कई राशियों को मिलेगी, जिन राशियों में ये केंद्र में या त्रिकोण में ये योग बनेगा, उन लोगों के अंदर कहना चाहिए उनको लोकप्रियता काफी मिलेगी, उनका पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो लोग बड़े आकर्षक हो जाएंगे। उनका एक तरीके से कहते हैं कि ग्रहों में ये आकर्षक बढ़ाता है जब राहु और शुक्र बैठते हैं, वो भी अगर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो विशेष लाभ देगा। लेकिन जब ये छठे आठवें या बारहवें भाव में रहती है तो युति बदनामी भी करा देती है। प्रेम संबंध में आप एक्सपोज हो जाएंगे, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें आप एक्सपोज हो सकते हैं, या गलत चीजों की ओर अग्रसर कर देते हैं ये शुक्र और राहु की युति जब अशुभ भाव में ये योग बन रहा हो। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा उस राशि वालों को। बिल्कुल, तो आइए राहु और शुक्र की स्थिति में किन लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की अब जरूरत पड़ सकती है, राशि अनुसार जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले मेष राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय, क्योंकि इन्हीं की राशि में देखिए राहु पहले से बैठे और अब शुक्र भी आ रहे हैं। देखिए, मेष राशि वालों को प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लगन में शुक्र और राहु की युति जो है अधिकतर आपको शुभ फल देगी। कभी कभी जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद इस 20-25 दिनों में संभव है, अदरवाइज ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा है। प्रेम संबंध, काम कारोबार और आर्थिक स्थिति ये सब मजबूत रहेंगे, लेकिन क्या है कि एरोगेंस से बचें और क्रोध की अधिकता ना करें। वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों को संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि द्वादश भाव में ये युति बनती है जो कि व्यभिचार का बढ़ावा देती है, कुसंगति को बढ़ावा देती है, लॉटरी जुए सट्टे जो लोग खेलते हैं, अगर आपको इस तरह के शौक हैं या कुसंगति में पड़े हुए हैं तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, यानी कि आपका खुलासा हो जाएगा, बदनाम हो सकते हैं। यहाँ पर रोग भी, गुप्त रोग से भी पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि छठे भाव पे शुक्र और राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा संभल के चलना है वृषभ राशि वालों को, फिजूल खर्ची से भी यहाँ आपको बचना चाहिए। अगर हम बात करें मिथुन की, तो इनके लिए कैसा रहेगा? मिथुन राशि वालों के लाभ स्थान में ये योग है, तो लाभ भी अच्छा होगा, और यहाँ पंचम भाव पे दृष्टि है तो संतान के लिए भी अच्छा है और प्रेम संबंध भी आपके मजबूत होंगे। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है बहुत अच्छे, यानी कि पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव जो है त्रिकोण का माना जाता है, जो विशेष लाभकारी और शुभ माना गया है। चलिए, मेष वृषभ मिथुन की बात हुई, अब जान लेते हैं कर्क के लिए कैसी रहेगी ये युति। कर्क राशि वालों के लिए युति अच्छी कही जाएगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में राहु और शुक्र की युति आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल सही नहीं रहेगा, इसे एक महीने में थोड़ा संभल के चलें। हालांकि
सुख साधनों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए ये युति बहुत अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी और कुल मिलाकर आपका दिनचर्या बहुत ही शानदार रहेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। सिंह के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये जो युति है हम देख रहे हैं ये नवम भाव में बनी है, तो भाग्य वृद्धि के संकेत रहेंगे, काम कारोबार भी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध में छोटी मोटी खटपट संभव है आपके प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में या जीवन साथी के साथ। तो थोड़ा सा क्या करें इस समय को किसी भी तरह के विवाद से दूर रखें अपनी मैरिड लाइफ को, कोई भी अगर गलतफहमी हो तो मिल बैठकर उसको सुलझाएं। अगर बात करें कन्या की तो इनके लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि वालों को यहाँ संभल कर चलना पड़ेगा, राहु शुक्र की अष्टम भाव में युति जो है वो शुभ नहीं मानी जाती है। आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो है वो आपको बदनामी दिला सकता है या लापरवाही के चलते आप एक्सपोज हो सकते हैं, चाहे आपका वर्क प्लेस हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, तो कोई भी ऐसा अनैतिक काम ना करें जिससे कि आपको कोई परेशानी उठानी पड़े। और दूसरा, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी कार्य में व्यवसाय में परिवर्तन ना करें अभी और धन का कहीं निवेश ना करें। तुला वालों के लिए ये योग बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सप्तम भाव में बंधे हैं राहु और शुक्र की युति, तो ये प्रेम संबंधों को मजबूत करेगी, काम कारोबार अच्छा रहेगा, धनलक्ष्मी योग की प्राप्ति हो रही है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव में राहु भी है तो छोटी मोटी नोक झोंक संभव है जीवन साथी के साथ, तो उस तरह की चीजों को टालें तो बेहतर रहेगा। अगर बात करें वृश्चिक की, तो वृश्चिक राशि वालों को देखिए ज़रा संभल के चलने की होते क्योंकि छठे भाव में शुक्र और राहु की युति, आपको कहना चाहिए किसी स्कैंडल में आप फंस सकते हैं, बदनामी का शिकार हो सकते हैं, भोग विलासिता व्यभिचार से दूर रहें अन्यथा आपको बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। फिजूल खर्ची भी इस समय ना करें तो आपके लिए अच्छा है, बजट बना के चलें क्योंकि इस समय धन व्यय होने की आशंका है। इस समय मैं सलाह देता हूँ कि किसी भी नए काम की शुरुआत वृश्चिक राशि वाले इस गोचर में ना करें। धनु राशि वालों के अगर बात करें तो पंचम भाव में ये योग बंद है, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, काम कारोबार की तरक्की होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी मजबूत रहेगी। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए मेष राशि वालों ये आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। चलिए अब तक हमने मेष से लेकर धनु राशि वाले जातकों के बारे में जाना, अब आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं मकर के बारे में। मकर राशि वालों ये समय आपके लिए काफी अगर हम लिहाज से देखें तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि चतुर्थ भाव में ये युति हो रही है शुक्र और राहु की, तो मन में कहना चाहिए विलासतापूर्ण जीवन जीने की आपकी ख्वाहिश रहेगी, यानी कि आप अपने जीवन को बहुत भोग विलासता से भोगना चाहेंगे। सुख साधन भी बढ़ेंगे यहाँ, हो सकता है कि बड़ी गाड़ी भी इस समय ले लें या बड़ा फ्लैट बुक करा दें, कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। काम कारोबार के लिए भी ये स्थिति अच्छी है लेकिन मन में कोई चिंता बनी रहेगी या कोई तनाव रहेगा, तो किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस ना लें, अपने कार्यों में ध्यान लगाएं तो आपके लिए बेहतर है। कुंभ राशि वालों के भाई बहनों का पूर्ण सहयोग इस समय मिलेगा और मित्रों का भी सहयोग पूर्ण मिलता हुआ नजर आ रहा है, भाग्य भी साथ देगा और कहना चाहिए आपका कार्य व्यवसाय भी सामान्य रूप से इस समय अच्छा चलेगा, तो इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए भी किसी तरह की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अब आइए जान लेते हैं अपनी अंतिम राशि मीन के बारे में। मीन राशि वालों के दूसरे भाव में ये योग बन रहा है, यानी कि धन भाव में राहु के साथ शुक्र बैठेंगे तो धन का व्यय होता हुआ नजर आ रहा है और ये हालांकि सुख साधनों पे रहेगा या भोग विलासता पर आप खर्च करेंगे लेकिन इसमें कोई हानि होने की कोई खास आशंका नहीं है, ये आपकी अच्छी बात है। बस मीन राशि वालों यहाँ वाणी पर संयम रखें क्योंकि राहु दूसरे भाव में और शनि बारहवें भाव में, तो ये जो स्थिति आपकी बनी है ये दोनों ग्रहों की स्थिति आपकी शुभ नहीं है। यहाँ आपको कोई भी नए कार्य की शुरुआत जो करनी है वो अपनी कुंडली दिखाकर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मैंने मैंगी से आज आप लोगों के लिए जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से राहु और शुक्र की ये युति 12 की 12 राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ये वीडियो जरूर पसंद आएंगे और आपके लिए उपयोगी भी, फायदेमंद भी साबित हो। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।